बच्चों, आज हम तुम्हें प्रकरण 8 गणित का पढ़ाने जा रहे हैं। प्रकरण 8 का नाम है कौन किससे भारी। इसमें किसका वजन ज़्यादा है, कौन किससे भारी है, ये बताया गया है, ठीक है, इस पाठ में। तो पहला प्रश्न है, अंदाज़ा लगाइए कि इसमें से किसके लिए ज़्यादा बड़ी थैली चाहिए। अब इसमें क्या दिया है कि वजन तो बराबर होगा, लेकिन कौन सी चीज़ के लिए बड़ी थैली हमें लेनी है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है 1 किलो मक्के का, यानी कि पॉपकॉर्न होता है ना मक्के का, या 1 किलो चीनी। 1 किलो मक्के का जब आप पॉपकॉर्न लोगे तो बहुत सारा आएगा, और जो चीनी लेते हो 1 किलो तो थोड़ी सी आएगी, ठीक है। तो इसमें बताना है कि हमको बड़ी थैली किसके लिए चाहिए। तो देखते हैं, 1 किलो मक्के के लिए चाहिए या 1 किलो चीनी के लिए। तो 1 किलो मक्के के पॉपकॉर्न के लिए ज़्यादा बड़ी थैली हमें चाहिए, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है, तो मक्का बहुत सारा चढ़ता है, और चीनी हैवी होती, वेट मतलब भारी होती है, तो वो कम चढ़ती है। तो छोटी थैली चाहिए उसके लिए, और मक्के के लिए हमें बड़ी थैली चाहिए। अब दूसरा, 1 किलो मटर या 1 किलो आलू। 1 किलो मटर के लिए हमें बड़ी थैली चाहिए या 1 किलो आलू के लिए। तो 1 किलो मटर के लिए हमें बड़ी थैली चाहिए, क्यों? मटर हल्की होती है, आलू तो भारी होती है, तो आलू कम आएगी और मटर ज़्यादा होगी, इसके लिए हमें बड़ी थैली मटर के लिए चाहिए। अब तीसरा है, 1 किलो मूंगफली या 1 किलो गुड़। 1 किलो मूंगफली के लिए हमें बड़ी थैली चाहिए। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, अपनी कक्षा में पढ़ने वाले कुछ दोस्तों के नाम बताओ जिनका वजन तुम्हारे लगभग बराबर हो। तो आप अपनी कक्षा में पढ़ने वाले या अपने आसपास के दोस्तों का नाम लिख सकते हो जिसका वजन तुम्हारे वजन के बराबर हो। पहला प्रश्न है, लगभग तुम्हारे बराबर है, तो कोई भी दोस्त अपना देखो जो तुम्हारे बराबर हो, उसका नाम यहाँ लिखना। हमने तो लिख कर दिया है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको करिए। आपसे ज़्यादा वजन किसका है वो लिखना है, हमसे ज़्यादा वजन स्मृति का या कोई भी आपका फ्रेंड है उसका नाम लिखना है। आपसे कम, हमसे कम मुस्कान है, हमने आपको ये लिख के दिया है, लेकिन आपका कोई फ्रेंड है तो उसको देखिए, आपका दोस्त है तो उसका वजन कम है आपसे, तो उसका नाम आप लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, भारती के माता पिता स्वतंत्रता दिवस को एक अलग तरीके से मनाते हैं, क्योंकि भारती का जन्म इसी दिन हुआ था, वह भारती के वजन की दुगनी मिठाई खरीदते हैं, भारती का जितना भी वजन है उससे दुगनी मिठाई खरीदते हैं, और उसे गरीब लोगों में बांट देते हैं। नीचे भारती की उम्र और वजन दर्शाए हैं, तो मिठाई की मात्रा किलो में बताइए। भारती का वजन बताया गया है, हमको मिठाई की मात्रा बतानी है। अब यहाँ पे पहले क्रम लिखा हुआ है, पहली लाइन में देखिए गुलाबी कलर में, फिर भारती की उम्र लिखी है, फिर भारती का वजन कितना है, मिठाई की मात्रा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। जन्म के समय भारती 3 किलो की थी, कितने, यानी 3+3 यानी 3+3 6 किलो, ठीक है, 6 किलो मिठाई ली। अब एक वर्ष की उम्र में 9 किलो की हुई, कितने किलो की, 9 किलो की, तो 9+9 कर दोगे। अब 2 वर्ष की उम्र में वो 3 किलो की हुई, ठीक है, सॉरी 13 किलो की हुई, 2 वर्ष की उम्र में 13 किलो की हुई, तो 13+13 26 किलो हो गया। इसी तरह 3 वर्ष की उम्र में 17 किलो की हुई, तो 17+17 लिख दोगे यहाँ। इसी तरह 4 वर्ष की उम्र में वो 21 किलो की हुई, तो यहाँ पे 21+21 लिखना है, ठीक है। 5 वर्ष की उम्र में 28 की हुई, तो यहाँ 28+28 करके जोड़ के लिख देना है, क्योंकि दुगनी उसके वजन की दुगनी मिठाई वो बांटते हैं, तो हमको उसी हिसाब से लिखना है। अब हम लोग प्रश्न 4 पे आते हैं, वंदना ने रेडियो पर खिचड़ी बनाने के बारे में सुना, उसे बनाने की कोशिश कर रही थी और चक्कर में पड़ जाती है, उसकी सूची नीचे दी गई है। इस जो ये नीचे दिया गया है तो सब उल्टा सीधा लिखा है, उसको सही करना है। पहला है, कुकर में 2 चम्मच पानी डालिए, पानी खोलने पर उसमें निम्न चीज़ें डालिए, छुटकी भर दाल, आधा किलो लाल मिर्च पाउडर, 1 कटोरी नमक।
अब एक चम्मच चावल डालिए, दो मटर और 8 गिलास सरसों के दाने डालिए, अंत में 1 किलो प्याज डालिए। वंदना को मदद करो ताकि खिचड़ी बनाने के लिए वह चीज़ों को सही मात्रा मिला सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब आपको लिख कर दिया है, उन चीज़ों को किस तरह से लिखना है तो आप पढ़ के देख लो और लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अब हम पांचवा प्रश्न बताते हैं आपको। आपकी माँ बाज़ार से कुछ चीज़ें खरीद करके लाती है, पता कीजिए कि हर एक चीज़ की कितनी मात्रा एक बार में खरीदी जाती है, वह कोष्ठक में से चुनकर लिखिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, मतलब सॉरी यहाँ पे लीटर और किलोग्राम में चीज़ें दी गई हैं और नीचे चीज़ों का नाम दिया है और हमको उसकी मात्रा लिखनी है। तो चावल जैसे है तो चावल देख लो, यहाँ पे लीटर में तो चावल आएगा नहीं, किलोग्राम में आएगा, इसलिए चावल हम लोग लिखते हैं यहाँ पे देखकर ऊपर 5 किलोग्राम। ठीक है, तेल लीटर में आता है तो आप 5 लीटर लिख सकते हैं। मिर्च पाउडर ग्राम में आता है, किलोग्राम में आता है, तो 200 ग्राम मिर्च पाउडर। इसी तरह से ऊपर देखिए और नीचे यहाँ पर सब देखकर लिखिए, हमने आपको इसमें लिख कर दिया है, पर आप अपने आप भी करेंगे तो आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, निम्न चित्रों को देखकर उनके वजन का अंदाज़ा लगाकर कोष्ठक में से उचित वजन ढूंढकर लिखिए। अब यहाँ पे वजन दिया गया है, 10 किलोग्राम का वजन है, 400 किलोग्राम का है, 1000 किलोग्राम से ज़्यादा है, 1 किलोग्राम से कम है, 2 किलोग्राम है और 80 किलोग्राम है। तो देखो कि किसका वजन कितना किलोग्राम है, जैसे हाथी है तो 1000 किलोग्राम, इसी तरह गाय का 400 किलोग्राम। तो यहाँ पे हमने आपको लिख कर दिया है सबका वजन, आप इसे देखकर लिखिए। प्रश्न नंबर 7, नीचे अलग प्रकार के तराजू दिए गए हैं, जो तराजू आपने देखे हैं उसे उसमें सही का निशान लगाना है। जो आपने तराजू देखा है उस पर आप खुद ही सही का निशान लगाइए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8, नीचे अलग अलग प्रकार के बाट दिए गए हैं, जो बाट आपने देखे हों उस पर सही का निशान लगाइए। आपने कौन कौन सा बाट देखा है, 20 किलोग्राम का, 10 का, 5 का, 2 का, 1 का, जो आपने देखा है उस पर सही का यहाँ निशान लगाना है आपको। अब हम आगे देखते हैं, आपका पूरक अभ्यास दिया हुआ है, पूरक अभ्यास देखते हैं। पूरक अभ्यास में सारा जवाब हमने आपको लिख दिया है, फिर भी हम आपको पढ़कर बताते हैं कि क्या करना है इसमें। ठीक है, निम्न प्रश्नों के जवाब के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर, यहाँ जो ये चौखा ने दिया है ना इसमें लिखना है, लिखिए यहाँ प्रश्न के सामने दिया हुआ है उसमें लिखना है। अब पहला प्रश्न है, 10 टमाटर का वजन, 1 आम का वजन, 5 आम का वजन बराबर 1 कद्दू का वजन होता है, बताइए कितने टमाटर का वजन 1 कद्दू के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 50, 1 कद्दू किलो का भी होता है, 2 किलो का भी होता है, 5 किलो का भी होता है, तो 50 टमाटर लिख देंगे अड्डा। हाथी घोड़ा बैल और हिरण, इन चारों में से किसका वजन अधिक होगा। आपने हाथी भी देखा है घोड़ा भी देखा है, तो सबसे ज़्यादा वजन किसका होगा, हाथी का, तो हाथी लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा चौथा पांचवा प्रश्न दिया है, इसे पढ़कर यहाँ पे लिखना है और सही जगह पे टिक लगाना है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, उचित विकल्प चुनकर निम्न रिक्त स्थान भरिए। ये रिक्त स्थान भरना यानी कि खाली जगह भरनी है, 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम यानी दोनों को जोड़ना है हमें, दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 किलोग्राम आएगा, कितना आएगा 1000, 1000 किलोग्राम बराबर 1 किलो होता है, सॉरी हाँ देखो 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम तो 1000 ग्राम होएगा, दोनों को जब जोड़ोगे बेटा तो 1000 ग्राम होएगा, और 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे एक किलोग्राम लिखेंगे, हैं, एक पे यहाँ पे टिक लगाओगे। सबसे छोटे तराजू और छोटे बाट का उपयोग कौन करता है? सब्जी वाला तो करेगा नहीं सबसे छोटे तराजू का उपयोग, ना दुकानदार करता है। सबसे छोटा तराजू सुनार के पास होता है। तीसरा देखिए, एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अभी हमने तुम्हें ये बात पहले में बताई है ना, तो एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 10 किलोग्राम वजन का दुगना, वजन 10 का दुगना करना है तो 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 लिख देंगे। खिचड़ी बनाने के लिए नमक सब प्रमाण होना चाहिए, नहीं खिचड़ी बेकार हो जाती है, पता है ना बेटा। यहाँ पे जोड़ी बनानी है, तीसरे नंबर में आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे उचित जोड़ी बनानी, हमने आपको बना के भी दी है लेकिन आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके घर में बनाओ और इसका उचित जोड़ी देखो, स्कूल बैग कितना होता है, पेंसिल का वजन कितना होता है, वो दिया है, वो करना है आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब लिखिए, हमको यहाँ पे ये प्रश्न दिए इसके जवाब लिखने। 1 किलोग्राम वजन से कम वजन वाली 3 चीज़ों का नाम लिखना है, भी पानी की बोतल भी 500 ग्राम की आती है, पेंसिल कंपास बॉक्स 1 किलोग्राम से कम होते हैं। 1 किलोग्राम से 10 किलोग्राम वजन के बीच आने वाली चीज़ों के नाम लिखिए, मेज, कद्दू, स्कूल बैग, चीनी, जो भी हो आप लिख सकते हो। कितना स्टार वाला उपयोग करता हो ऐसे 3 बाट के, सॉरी बच्चों तीसरे प्रश्न में लिखा है, किराना स्टोर वाला उपयोग करता हो ऐसे 3 बाट के वजन लिखिए। भाई किराना वाला तो 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 5, 10, 20 सबका वजन ले रखता है, क्यों बाट इतने बड़े बड़े रखता है, कभी कभी उसको 20 किलो 25 किलो भी तोलना पड़ता है, तो बाट उसके पास बड़े भी रहते हैं छोटे भी रहते हैं। चौथा नंबर देखते हैं, नीचे दिए गए प्राणियों को उनके वजन के अनुसार नाम क्रम में लिखिए, चींटी, कुत्ता, हाथी, भैंस, गधा। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्या लिखना है, क्रम में लिखिए लिखना है ना, तो सबसे पहले चींटी आएगा, सबसे छोटी होती है, फिर क्या आएगा, कुत्ता, फिर गधा, फिर भैंस, फिर हाथी, इस तरह से इसको लिखना है। ओके आगे देखते हैं, बस यहीं पे तुम्हारा ये लेसन ख़त्म होता है। इसकी प्रैक्टिस अपनी कॉपी में 2-3 बार अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी होगा और टेस्ट भी होगा, इसलिए प्रैक्टिस अपनी कॉपी में 2-3 बार करिए। चलो बाय।